व्हाट्सएप के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस, ये वीडियो मैं 1 तारीख को शूट कर रहा हूँ, शायद आप इस वीडियो को 2 तारीख को देखेंगे। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो यार, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार, क्योंकि इस वीडियो में आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। और भाई, इस एंगल से अपना साम्राज्य क्या ही खूबसूरत सा लग रहा है, अपना मॉडर्न हाउस, अपना पुराना हाउस, अपने फार्म से भाई बहुत ही गजब, और इधर सब दूर भाई बहुत ही गजब लग रहा है। मैं अभी वॉच टावर पर खड़ा हुआ हूँ। तो भाई, जैसा कि उनको याद है कि पिछले वाले वीडियो में हमने ये अपना मॉडर्न हाउस बनाया था, तो पहले इस पर भी मारते फिर बात करते। तो गाइस, मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ, तो यहाँ से हम अपने मॉडर्न हाउस पे कूदने की कोशिश करते हैं। तो इन 3 2 1 देयर वी गो, कूद गए भाई। तो चलो गाइस, हम यहाँ से कूद चुके हैं। तो भाई, पहले तो मैंने अपने मॉडर्न हाउस में चेंज करा है, वो मैं तुमको नीचे चल के बता देता हूँ। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। और भाई, ये प्रेशर प्लेट का अलग ही नशा कर रहे थे नए साल पे। तो यहाँ से नीचे चलने के बाद तुमको यहाँ पे पता होगा कि पहले यहाँ पे ब्रिक्स का डोर फ्रेम था। तो भाई, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया यार, बलराम भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है ब्रिक्स का, तो ये तुम रेड स्टोन का वो रेड कंक्रीट का ही कर दो, पूरे घर से मैच भी हो जाएगा वो। तो भाई, मैंने ये कर दिया है, सही बोला था तुमने, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई, अब बात कर लेते हैं अपने आज के मेन मुद्दे की। तुम सोचते होंगे कि भाई बहुत ही टाइम बर्बाद कर रहा है, ये तो कुछ आता नहीं जाता और भारत माता, तो भाई ऐसा नहीं है। तो वैसे तुमने थंबनेल देख लिया होगा, हम भी आज बनाने वाले हैं क्रीपर फार्म लाइक टेक्नो गेमर्स। तो भाई, तुम सोच रहे होंगे कि तुमको इतना क्या गन पाउडर की क्या ज़रूरत है। तो भाई, तुम ये यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मतलब मेरे पीछे का ये जंगल, तो भाई ये मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं भी अपने मतलब साम्राज्य बनाना चाहता हूँ, और अपने साम्राज्य के आस पास वॉल खड़ी करना चाहता हूँ, बाउंड्री। तो भाई, ये मैं बाउंड्री बनाऊँगा तो यहाँ पे ये मुझे दिक्कत देंगे, मतलब लुक बिगाड़ देंगे सब। तो इनको भाई मैं काटने जाऊँगा तो अगले साल का नया साल आ जाएगा, तो इसको फोड़ने के लिए मुझे चाहिए रहेंगे TNT, और TNT बनते हैं गन पाउडर से, तो और गन पाउडर मिलता है क्रीपर से। तो इसलिए आज हम बनाने वाले हैं क्रीपर फार्म लाइट टेक्नो गेमर। तो भाई, ये जगह मैंने साफ करी थी जब मैंने ये बीज यहीं पे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, तो वहीं पे रहने देते, क्या ही दिक्कत आ रही है अपने को। तो भाई, जो जो सामान अपने को चाहिए क्रीपर फार्म बनाने के लिए, वो तो तुमको पता है कि मैं पहले इकट्ठा कर लेता हूँ। भाई, मैं सब सर्वाइवल में करता हूँ, ये भी तुमको पता है, क्योंकि भाई स्टोन ब्रिक्स क्या ही क्रिएटिव में से जाके लाने, उनको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता है वैसे भी। और जो चाहिए वो बस एक सामान चाहिए, वो पे हम जाके ले आएंगे। तो भाई, चेस्ट बनाने में बूट अपने मतलब भरपूर है अपने पास, ये तुमको बताए, सैंग बोर्ड में नुई बन जाते बूट से, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। भाई, वोटर बकेट भी बन जाती है अपने, बहुत पानी है अपने साम्राज्य के आगे वाली नदी में, बहुत सारा पानी है। और भाई, होपर अपने पास पड़े हुए थे, और ये स्टोन ब्रिक से मैंने बना लिए, ग्लास भी अपने पास पड़े हुए थे, और ट्रैप डोर मैंने बना लिए। तो इतना सामान चाहिए, और अपने को ये बस टेक्नो गेमर्स जैसा बनाने के लिए उसको ब्लैक स्टोन लगाना पड़ेगा। तो नेदर में जाके अपन वो ले आते, क्या बोलते हैं, ब्लैक स्टोन। तो चलते भाई, सारी तैयारी तो अपन फुल फाल है, तो ब्लैक स्टोन जाके लाते हैं नेदर में। तो गाइस, मैंने इनफ ब्लैक स्टोन तो कलेक्ट कर लिया है, वापस चलते, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत मॉन्स्टर है। तो चलो, अब हम अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं वापस, तो हाँ हम आ चुके हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ से 56 ब्लैक स्टोन कलेक्ट कर लिया, इतना काफ़ी अपने लिए, हमको बाद में चाहिए रहेगा तो हम बाद में इसको ले आएंगे। तो भाई, इसको पहले पॉलिश्ड ब्लैक स्टोन बनाना पड़ेगा, तो वो मैं बनाता हूँ, फर्नेस में डाल के बनेगा वो, तो फर्नेस अपने ऊपर है। तो भाई, मैं बनाने के बाद मिलता हूँ, तो आपको भी पता है कैसे बनता है ये। तो भाई, मैं यहाँ बनाने की सोच रहा हूँ, अपना घर यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये वाला पास है, पर अधिकतर हम वहीं सोते हैं हम, तो यहाँ हम बना लेते हैं। तो भाई, कुछ नहीं करना है अपने को, बहुत ईजी है यार भाई, इतना मैंने भी नहीं सोचा था तो इतना ईजी रहेगा ये।
तो भाई हमें पहले तो दो क्यूब बना लेने हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 के ये दो क्यूब बना लेने हैं। इसको भी दो ऊपर कर दो, ये एक क्यूब बन गया। यहाँ पे अब हमें 6 ब्लॉक दर वो डिक करना है। भाई मेरे शवल बहुत तेज है, दो दो डिक हो रहे हैं भाई, मैं एक करना चाह रहा हूँ, दो दो डिक हो गए। तो इसको सुधारता हूँ मैं भाई, इसको ऐसा नहीं छोड़ना है तुमने, मैं से हो गया डर की डरे। तो इसको डर्ट ले लेते हैं यहाँ पे और इसको वापस ऐसा फिल कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे बस तुम्हें 6 ब्लॉक तक ही इसको डिक करना है ना, और वापस यहाँ पे क्यूब बना देना है तुमको। तो अब गाइस इसको बनाने के बाद तुमको इसको कर देना है, इसको बनाते हैं पहले। और गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ी जगह इसको वापस ठीक करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरा क्रीपर फार्म नहीं बनेगा। तो गाइस मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ फिर तुमको मिलता हूँ। तो ओके गाइस मैंने यहाँ की जगह तो साफ कर ली है, और भाई अब उसके बाद तुमको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो उसके बाद तुमको यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे रखना है, दूसरा ब्लॉक ऐसे रखना है, फिर उसके बाद ऐसे यहाँ पे रख के 5 ब्लॉक तक तुमको आगे बढ़ाना है। तो एक हो गया, 2 3 4 5, तो 5 तक इसको करना है। और भाई मैंने इधर भी ऐसा ही सेम टू सेम कर दिया है, तो यहाँ पे भी हमें 5 ब्लॉक तक आगे बढ़ाना है। तो 2 3 4 5, तो ये 5 ब्लॉक हो गया। अब इसको आपस में मतलब कवर कनेक्ट कर देना, कवर क्या ही बोल रहा हो यार भाई। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बार अपन, इसको हटाओ। तो ये कनेक्ट हो गया, और ऐसे ही हमें सेम टू सेम उधर करना है। तो मैं करता हूँ उधर, तो यहाँ पे भी हमें सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ एक ब्लॉक, अरे वहाँ गलत रख दिया, इसको तोड़ो भाई पहले। भाई पिकेक्स देख रहे हो क्या ही खतरनाक पिकेक्स है अपनी। तो ऐसे करने के बाद यहाँ पे भी 5 ब्लॉक तक करना, मैंने गिना ही नहीं। 2 3 4 हो गए ये 5, इसको 5 तक, इसको भी इधर से भी 5 तक करना है। इधर रखा, इधर रखा, अरे 1 2 3 4 5। तो ये दो ब्लॉक गलत लग गए भाई, इसको तोड़ देना, तुमसे भी गलत लग जाए तो भाई। कॉमेडी भी जरूरी है ना, बस बीच में मेरी कॉमेडी इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी। तो चलो भाई इसको भी तुम्हें बीच में से कनेक्ट कर देना है, और अगर तुम्हारे पास ब्रिक्स खत्म हो जाए तो ऊपर से इन्वेंट्री में से ले लेना। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत ले लेना। और फिर इसको एक एक लेयर और ऊपर चढ़ाना। तो भाई मैं इसको एक लेयर और ऊपर चढ़ा के मिलता हूँ तुम। तो ओके गाइस मैंने इस बॉल को भी ब्रिक्स से कंप्लीट कर दिया है, और मेरे पास 12 ब्रिक्स बच भी गए। तो हाँ, तो इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर यहाँ से चढ़ के यहाँ पे इसको भी एक एक ब्लॉक तक आगे कवर कर देना है। तो यहाँ पे कंट्रोल दबा के इसको ऐसे कर देना है, एक ब्लॉक खुला छोड़ देना है, और इसको भी ऐसा कर दो तुम्हारा मन हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और फाइ इसके बाद इसको भी इधर से भी ऐसा कर दो, और इसको भी इधर से ऐसा कर दो, ब्रिक्स ख़त्म। तो चलो गाइस वो तुम्हें और बना के ले आऊँगा। इतना करने के बाद अब तुम्हें यहाँ पे लगाना है ट्रैप डोर। तो ट्रैप डोर भी मैंने बना के ले आया था, तो इसको यहाँ पे नीचे रखते हैं। और भाई बहुत इजी मेथड है यार, इतनी इजी मेथड, मतलब क्रीपर फार्म इतना इजी मैंने आज तक नहीं देखा। तो भाई मैंने यहाँ पे ये टॉर्च लगा रखी है सेंटर पॉइंट के तहत, तो वो रही टॉर्च अपनी, और ये रहा अपना सेंटर ये वाला। तो इसके लोअर साइड पे हमें लगाना है ट्रैप डोर। तो ऐसा हमें ट्रैप डोर लगाना है, और यहाँ पे बिठा हुआ आएगी गेट। तो गेट अपने विलेजर हॉल में बहुत है, तुम्हें चाहिए तो मैं उधर ले जाना भाई, रेंट पे देता हूँ। और इधर निशानी के तहत मैंने ये डर्ट लगा रखी है, तो इसको यहाँ से सेंटर ब्लॉक में इसको भी लोअर साइड पे यहाँ पे लगा देना है। गलत लगा दिया, चलो उसके नीचे वाला सही है। तो इसको तोड़ देते हैं पहले, दोनों टूटेंगे भाई। तो सही लगाता हूँ। तो गाइस पहले मैं इस, और इतना करने के बाद तुम सोच रहे हो कि भाई तुम दो स्टेक ट्रैप डोर के लेके क्यों घूम रहे हो। तो भाई इतना करने के बाद हमें क्या करना है, मैं भूल गया यार, एक तो ये बहुत बचा रहा है यार मेरा एक कर्सर। तो इतना करने के बाद तुम्हें जो ये पूरी जगह रूफ खुला दिख रहा है, इसमें भी
ट्रेप डोर लगाना है, तो मैं ट्रेप डोर लगा देता हूँ सब दूर, फिर तुमको मिलता हूँ आखिरी में। बस इस वाले ब्लॉक के ऊपर नहीं लगाना है बस तुम्हें, बाकी सब दूर लगाना है। और गलती भी बहुत होगी भाई इसमें, तो लगा दो फिर मैं तुमको मिलता हूँ। तो ओके गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पे मतलब ट्रेप डोर भी लगा दिए, बस ये दो ब्लॉक को छोड़ के तुम्हें सब दूर यहाँ पे ट्रेप डोर लगाना है। और गाइस बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आती हो तो माफ़ करना यार, वैसे नहीं आती होगी मुझे पता है पर। और गाइस एक और बात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अभी बीच में ब्राइटनेस बहुत कम थी मेरे मोबाइल की, और इस बात का इशू ब्राइटनेस का इशू आया होगा, तो भाई सॉरी यार इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे स्मार्टफोन की ब्राइटनेस कम है। तो गाइस चलो, इतना काम होने के बाद गाइस मतलब मैं सोया भी नहीं हूँ, रात में मैंने यहाँ पे ट्रैप डोर लगा दिए, और पहला भाई खाना खाओ, अपना खाना निकालो और खाना खाओ यहाँ से। और गाइस इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केट को टेम करना है, और केट टेम होती है फिश से, और फिश शायद मेरे पास नहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो गाइस फिश को टेम करते हैं तो यहाँ पे आसपास रिवर ढूंढते हैं, वैसे ढूंढना क्या है मेरे पास वो वहाँ पे है, मुझे पता है कहाँ पे रिवर है यहाँ, तो मैं रिवर के पास चलता हूँ और फिश ढूंढते हैं फिर रिवर में। तो गाइस एक पॉन्ड तो हमारा यहाँ पे है, पर यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे फिश होंगी, तो हाँ यहाँ पे तो पूरा पॉन्ड में फिश है ही नहीं, तो यहाँ पे ढूंढने का क्या ही बात है। तो ये मैंने एक बना रखा है, कुछ भी वोटर का काम होता है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ से मैंने रास्ता भी बना रखा है। तो यहाँ पे एक आगे रिवर भी है, वहाँ पे चलते थे, वहाँ पे तो फिश मिल ही जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो हाँ यहाँ पे रिवर है, रिवर तो है, यहाँ पे फिश मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भाई मेरी किस्मत के ऊपर, यहाँ पे सेंड पड़ी रहना है तो कोई बात नहीं। तो भाई यहाँ पे ये तो है, अब यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते। हाँ तो गाइस मुझे यहाँ पे दो दो फिश दिख गई है, तो इनको मारते। तो गाइस इन मछलियों को मैंने मार मार के 12 मछली मार दी, यहाँ पे मुझे एक ही जगह पर बहुत सारी मिल गई थी भाई, बहुत पचा है इन्होंने। मैं थोड़ा वहाँ से अपनी जगह से थोड़ा इधर आगे आ गया जब वहाँ पे फिश ख़त्म हो गई थी। तो गाइस मैं वापस वहाँ पे चल के तुमको मिलता हूँ अपने साम्राज्य में। तो ओके गाइस मैं भागता भागता अपने गांव में पहुँचने वाला हूँ, तुम्हें अपना स्पी फार्म दिख ही गया होगा, यहाँ से भी रास्ता है तो चलते हैं। तो गाइस अब मुझे फिश को टेम करना है, मैंने यहाँ से 12 फिश ले आया था, फिश को नहीं केट को टेम करना है सॉरी। तो भाई मैंने सुना है ये केट सबसे मुश्किल है, केट को टेम करना, तो ढूंढते और इनको टेम करते हैं। तो यहाँ पे है क्या भाई, गेट है, म्याऊ 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 म्याऊ। तो भाई अभी यहाँ पे एक भी गेट नहीं है, पर थोड़ी देर में मैं उसे बताया आसपास ही घूमती होगी, क्योंकि मेरे विलेज में कम से कम मैंने 9-10 गेट अलग अलग देख लिए भाई, तो इनको आने देते फिर इनको टेम करते। तो गाइस मुझे एक गेट यहाँ पे दिख गई है, तो इसको जल्दी जल्दी से टेम करते हैं भाई। भागियो मत भागियो, ओ भाई भाग गई। तो गाइस मैंने बोला था इनको टेम करना सबसे मुश्किल है, ये इधर ही आ रही है, कहाँ से टेम हो जाए। ओ ओ हुई हुई हुई, अरे यार गाइस ये टेम ही नहीं हुई यार, भाई इसने 9 फिश खा गई मेरी, अरे 3। तो गाइस इसको टेम करने की वापस करते, ये इधर ही आ रही है फिश को देख के, आजा टेम। तो गाइस फाइनली गाइस ने मेरे 9 केट खा के फिश खा गई, 13-12 बजे हो तू अभी नहीं बैठ। तो गाइस एक केट और ढूंढते, इधर यहीं कहीं होगी ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे साम्राज्य में केटों की कमी नहीं है, डॉग्स भी अपने पास, केट भी है, तो अपन जल्दी पांडा भी ले आएंगे, पोलर भी है, सब लाएंगे, तो फिक्र मत करो यार, एक केट और मिल जाए। तो गाइस मैं एक केट और ढूंढता हूँ फिर तुमको मिलता हूँ। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक केट और दिख चुकी है, तो इसको अब देखो दो केट है यहाँ पे, तो कोई सी भी एक को टेप कर लेते, तो भाई एक भाई की तरह आ जाओ, फिर बड़ी वाले को टेप करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने इसको भी टेप कर लिया, और गाइस तुम ऐसा मत सोचना मेरे पास 3 फिश है, तो भाई इतना क्रिएटिव में से जाके टेम करा भाई, मैंने और केट मार के वहाँ से, अरे फिश मार के, और मैंने वहाँ से फिश मार के,
कम से कम 12 फिश मैंने और मारी और फिर मैंने और जाके लाए और वो तीन तो वो पहले ही खा गई थी और वो डेम नहीं हुई, और बाकी मैंने फिर 6-7 फिश और मार के लाया तो वो भी खा गई और वापस मेरे पास 3 फिश बच गई। तो तुम ये मत सोचना क्रिएटिव में से जाके लाए। तो भाई मैंने दोनों गेटों को टेम तो कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, पहले ये फेंस बंद हो जा। हाँ तो ये बंद हो गया, तो इसके बाद मुझे लीड ले जाके उसको बांधना है। तो लीड मेरे पास 9 है तो 2 ले लेते, ये नहीं भाई, तो 2 लीड आ जा, 3 आ गई तो एक फेड़ तो इसमें से, तो 7 लीड भी ले लिए मैंने, तो 7 अरे 2 लीड भी ले लिए, तो ये लीड रख लेते हैं नीचे। अब उनको क्या करना है, मुझे उनको बांध के वहाँ पे बिठाना है। तो भाई पूरे क्रीपर फार्म को बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है वो यही है, तो इनको बिठाने में जितना टाइम लगेगा उतना किसी चीज़ में नहीं लगता है। तो ओके गाइस, रात को काम करते करते बहुत रात हो गई थी, तो मतलब बहुत क्या रात हो गई है, तो मैं यहाँ पे आके सो गया था। तो गाइस मैं यहाँ पे इस वाले घर में इसलिए आया क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ काम भी था, ये शायद कारपेट है, तो मुझे यहाँ से थोड़े बहुत कारपेट भी चाहिए, वो तुमको मैं नीचे चल के बताता हूँ क्यों चाहिए। इसमें कुछ माइनक्राफ्ट का रूल है भाई कि चाहिए मतलब उसको करना पड़ता है तो ही क्रीपर फार्म वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो गाइस मैंने गेट को ले जाके तो बैठा दिया, भाई बहुत मुश्किल है भाई गेट को वहाँ पे ले जाने बैठा, बार बार नीचे उतर जाओ, फिर पूरा फेंस तोड़ो, उसको ऊपर चढ़ाओ, फिर टूट जाती, ये देखो ये देखो ये मतलब मेरे मतलब ये टूट ही गए भाई, मतलब पूरे ब्रिक से मैंने बार बार तोड़े ये, जब ये भारी थी और मैं उसको सुधारना ही भूल गया इस वाले को, तो और तो नहीं किधर, नहीं तो पता चले क्रीपर फार्म ही टूटा है। और मैंने यहाँ पे तो देखो गाइस गेट को तो मैंने लाके बिठा दिया है, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो मैं कारपेट लाया हूँ इसको मुझे 2-2 ब्लॉक की छेटी मतलब दूरी पे लगा देना। तो गाइस ये कारपेट इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ताकि यहाँ पे स्पाइडर स्पोन ना हो, पता नहीं ऐसा कुछ माइनक्राफ्ट का रूल है, यहाँ पे कारपेट लगा देंगे तो वो स्पाइडर स्पोन नहीं होगी। तो इतना करने के बाद अब यहाँ से अपना सब काम हो चुका है, तो अब मुझे लगता है यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए इसको टॉर्च को तोड़ के। भाई क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो। तो भाई ये कारपेट पे यहाँ से नीचे उतर के अब मुझे यहाँ पे 4 ब्लॉक नीचे डिग करना है, पर ये कारपेट की हरकत भाई क्या बोल। तो एक तो हुआ पड़ा है, ओ भाई मेरी शवल, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस मैं अब करता हूँ यार, फिर ही तुमको मिलता हूँ भाई, अब सारा मूड खराब हो गया मेरा। तो ओके गाइस मैंने वहाँ पे ट्रैप डोर तो लगा दिए, और भाई मैंने इनफाइनाइट वाटर का सोर्स बना के यहाँ पे वो भी लगा दिए वाटर, और भाई मुझे पता नहीं था यहाँ पे 2 बाल्टी लगेंगे, मैंने फालतू में भी इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे 2 ट्रैप डोर लगाने के बाद वहाँ से यहाँ पे हमने नीचे डिग करा है उससे थोड़ी आगे तक ऐसा कुछ डिग कर लेना है, तो इसका भी अभी तुम्हें पता चल जाएगा यूँ कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे 2 बाल्टी पानी डाल देना ताकि वो पानी का बहाव इस तरफ हो। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, अरे उसके बाद तुम्हारी, तो इसके बाद तुम्हें ये 2 ब्लॉक भी डिग करने हैं, और उसके बाद तुम्हें ये 2 ब्लॉक भी गिर, अरे तो ये ब्लॉक भी तुम्हें डिग करना है, तो उससे क्या होगा पानी का बहाव और बढ़ जाएगा और वो पूरा पानी का बहाव यहाँ तक आएगा। तो इतना करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक रूम बना लेता है बना लेना है, तो वो मैं बनाता हूँ फिर तुमको मिलता हूँ। तो गाइस जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक इतना सा छोटा सा रूम भी बना लिया है। तो इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे पानी का बहाव ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे तुम्हें 2 डिग कर देने, और इतना जो मैंने छोड़ दिया है वो तुम्हें नहीं छोड़ना है, तुम्हें इसको भी तोड़ देना है। तो इतना तोड़ने के बाद भाई मेरी पिकेक्स टूटने वाली लिटरली, बात चलो ये तो आयरन की पिकेक्स रिपेयर कर लेंगे। तो इतना करने के बाद तुम्हें यहाँ पे भी 2 वो कर देना है डिग, और फिर तुम्हें क्या करना, अब भाई मेन काम इसका जो बाकी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुम्हें यहाँ से लेना है क्या हो पर,
और यहाँ से लेना है तुम्हें चेस्ट। तो इतना करने के बाद तुम्हें यहाँ पे लगानी है दो चेस्ट। गलत लग गई। तो इसको तुम्हें वापस तोड़ के लगाना है फिर, अगर तुम ऐसा लगा दो तो। भाई मैं नूब हूँ, तुम प्रो हो यार, समझा करो थोड़ा। तो इसको करने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसको डबल चेस्ट यहाँ पे लगा देनी है। ये लग गई और ये गलत लगा दी, इसको फिर तुम्हें तोड़ देना है क्योंकि मैंने कंट्रोल दबा रखा था। तो ये लग गई और फिर तुम्हें वापस कंट्रोल दबा के इससे ऊपर कनेक्ट कर देने दोनों। तो इतना करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने साइन बोर्ड निकालने हैं जो मैंने बना के लाया हूँ चार। तो तुम्हें दो साइन बोर्ड तो यहाँ पे लगाना है। तो एक साइन बोर्ड में यहाँ पे लगा देता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं लिखना है इसके पास, लगा देना है। और गलत लगा दिया भाई यहाँ पे, तो पानी सूख जाएगा भाई। भाई तो भाई मैं ये पूरा झंझट तुम्हें करके बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें लगाता हूँ। यार भाई क्रीपर फार्म बनाना भी बहुत मुश्किल बात है, आसान नहीं है, तुम आसान मत सोचो। तो मैं बना के लगाता हूँ, फिर तुमको मिलता हूँ। तो ओके गाइस, रात में भी मुझे काम करते करते रात हो गई थी, तो मैं यहाँ पे आके सो गया था। तो भाई फाइनली पर अपना क्रीपर फार्म बन के तैयार हो चुका है। जी हाँ, सही सुना है तुमने। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसमें मैंने क्या क्या करा है बाद में। तो मैंने जितना करा उतना को तुम्हें पता है, और कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपने क्रीपर फार्म का। तो मुझे बताया भाई टेक्नो भाई ने वो ग्लास काफ़ी निकाला था, तो भाई पर मेरे पास इतने ग्लास नहीं थे जो मैं ऐसा कर सकूँ, पर जब मेरे पास ग्लास आएंगे मैं ऐसा कर दूँगा। और भाई मज़ा में हेल्थ बहुत सारी चली गई। तो ब्रेड खा के अपना पेट भरते हैं पहले, तो फिर बात करेंगे। तो हाँ गाइस, तो मेरा पेट भरा चुका है, और मैंने यहाँ पे जैसे कि टेक्नो भाई ने कर रखा है सेम टू सेम वैसे ही पॉलिश स्टोन लगा दिए भाई, और वो भी मेरे पास खत्म हो चुके हैं। मैं गरीब हूँ। तो चलो कोई बात नहीं यार। तो इतना करने के बाद मैंने क्या चेंज करा ये बता देता हूँ मैं एक बार तुमको। तो यहाँ पे वो मेरा वो है जहाँ से अंदर जाते हैं हम, तो यहाँ से ओ, तो चलो कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने मतलब ग्लास लगा दिए ताकि लावा यहाँ पे नहीं आ पाए। तो इसको तोड़ के मैं तुमको बता देता हूँ मैंने क्या चेंज करा है। तो यहाँ पे मैंने दो साइन बोर्ड लगाए और नीचे मैंने दो साइन बोर्ड लगाए जैसा कि तुम देख सकते हो। तो साइन बोर्ड से ये होता है गाइस, जैसा कि हम कहीं पे भी लावा डालते हैं तो साइन बोर्ड उसको आगे भी नहीं जान देता है, पीछे भी नहीं जान देता है, वहीं पे रोक के रखता है। तो साइन बोर्ड मैंने नीचे लगाया तो वो लावा को नीचे नहीं जान दे रहा है, और उधर लगाया तो मैंने वो लावा को वो उधर नहीं जाने दे रहा है। और अब देखो क्रीपर वहाँ पे स्पॉन होंगे और वहाँ पे ट्रैप डोर लगे तो वो दोनों तरफ गेट है, तो वो गेट से डर के बीच में आएंगे, और बीच में आएंगे तो वो सीधा नीचे गिरेंगे, और फिर नीचे गिरेंगे तो पानी का बहाव उनको इधर ले आएगा, और वो इधर आएंगे और वो यहाँ पे जल के मर जाएंगे। और वो यहाँ पे मरेंगे तो मैंने नीचे लगा रखा है होपर, तो वो मरेंगे तो उनका गन पाउडर जाएगा होपर में, और होपर कनेक्ट चेस्ट से, और फिर वो जाएगा गन पाउडर चेस्ट में, और हम यहाँ से खोल के गन पाउडर ले लेंगे। तो भाई अभी तो मैंने वहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे कि वहाँ पे टॉर्च लगा रखी है, तो क्रीपर स्पॉन नहीं हो रहे ये। तो आज वाले वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना गाइस, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, कम से कम 2 घंटे से मैं रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।